सपनों के टूटने की आवाज नहीं होती, और अगर दर्द के पैमाने को नापने की कोई मशीन होती तो ये जान पाते कि अपनी बेटी को खोने वाले इन माता पिता पर क्या बीत रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने आई तानिया सोनी ने कुछ दिन पहले ही अपना 21वां जन्मदिन मनाया था, लेकिन यहाँ कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से जिन 3 छात्रों की मौत हुई उनमें बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली तानिया सोनी भी शामिल थी। सोमवार दोपहर तानिया का शव जब उनके गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम थी और पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा था। पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री या जो भी इससे रिलेटेड हो, वो तो उची हो गए। कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर उनकी क्या जिम्मेवारी थी। अगर MCD ने उनको परमिशन नहीं दिया था, 4 साल से वो कोचिंग नहीं, बहुत पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बेसमेंट में अगर अवैध कार्यक्रम चल रहा था, अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, तो क्या प्रशासन आँख मूंद के बैठा हुआ था? आज कोचिंग के संचालक को पकड़ लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्या होगा? उन्होंने बच्चों से इतना कमा लिया है कि लोगों को पैसा दे करके फिर वो बाहर आ जाएंगे। कोचिंग राव इंस्टीट्यूट के नाम से बदल गए, कोई दूसरा नाम से चलने लगेगा। क्या लगता है, सरकार को भरोसा नहीं है? नहीं। तान्या के पिता विजय सोनी तेलंगाना में रहते हैं और तान्या की शुरुआती पढ़ाई भी तेलंगाना के सिकंदराबाद में हुई थी। तान्या ग्रेजुएशन के लिए साल 2021 में दिल्ली आई थी। इसी साल उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। तान्या सोनी के शव के साथ उनके दोस्त ऋषभ दिल्ली से बिहार पहुंचे। वो प्रशासन और कोचिंग संस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। MCD के पास जब रिपोर्ट गई तो उसने अपनी आंखें क्यों बंद की? दूसरी बात ये है, MCD किसके पास है? आप गवर्नमेंट ने उस पर कुछ क्यों नहीं किया जब उसको पता चल रहा है कि वहाँ पे इलीगली 13 इंस्टीट्यूट में आज जाकर ही क्यों वहाँ पे लॉक लगा है? 13 इंस्टीट्यूट में ताला लग गया है, 3 के नीचे की बेसमेंट्स बंद कर दिए गए। तो जब ये क्या ये चीज़ तभी होनी है जब कोई अपनी जान खोएगा? इस देश में बदलाव तभी होएगा जब एक हेफ्टी अमाउंट हमें देना पड़ेगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। संसद में भी ये मामला उठा और तमाम दलों ने लापरवाही की बात मानी, लेकिन एक सवाल आज भी बरकरार है कि कई ख्वाबों के साथ शहरों में आकर तैयारी करने वाले इन छात्रों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा।